अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र पर हाथ रख कर दुआ कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। तो ये है कि एक अजीम अमल हम आपको बता रहे हैं कि जब आप मैयत को दफनाते हैं और उसके बाद कब्र पर मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी डालने के बाद जो है वो पानी भी उस पर डाल देते हैं, और उसके बाद आखिर में अब सब जो है वो जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो उंगलियाँ कब्र यानी मिट्टी के अंदर रख कर 7 मरतबा सूरह कद्र की तलावत करें, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र की तलावत, तो इसका सवाब इस कदर है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और परवरदिगार जो है वो मैयत के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, और जो लोग मौजूद होते हैं परवरदिगार उनके दर्जात को भी बुलंद करते हैं। लिहाजा इस अमल को हर सूरत खुद भी अंजाम दें और दूसरे लोग जो वहाँ मौजूद हों उनको भी आप तलकीन करें कि मैयत के लिए ये सबसे अजीम तरीन तोहफा है कि आप जो है वो 7 मरतबा सूरह कद्र की तिलावत करें और कब्र यानी कब्र में हाथ की उंगलियाँ जो है वो अंदर दाखिल करके और सूरह कद्र की 7 मरतबा तिलावत करेंगे तो परवरदिगार आपके और आपके मरहूमीन के और इस मैयत के परवरदिगार जो है वो गुनाह माफ़ कर देगा।